अब जिला बनेगी। मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया हम आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। किसानों की सुनी थी आंखें, अब सपने उगे हजार हैं। बीज सिंचाई समर्थन मूल्य फसल बीमा तैयार है। सस्ता कर्ज ब्याज माफी का मिला उन्हें उपहार है। हर संकट में साथ किसानों के खड़ी सरकार है। हर किसान के घर खुशहाली ला रहा मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में इस मंच पर पधार चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ा रथों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आदरणीय बीडी शर्मा साहब का स्वागत करने के लिए भी मैं विश्वास सारंग जी से आग्रह करूंगा। आदरणीय बीडी शर्मा साहब का भी स्वागत करने के लिए आग्रह। और स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हुए मैं आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी से, जो कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हैं, आग्रह करूंगा कि वे इस अवसर पर गुजार व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा विगत पिछले 15 साल की सरकार और चौथी बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उसके बाद सरकार ने जो मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया और वो मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने उन विकास कामों को लेकर जो विकसित मध्य प्रदेश बनाया है, उन सारे कामों को जनता के बीच ले जाने के लिए आज विकास रथ 127 जो 230 विधानसभाओं में जनता के बीच जाकर के जनता को ये बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 2003 का मध्य प्रदेश था, जो बीमारू राज्य था, जो कांग्रेस की सरकार के समय में दुरावस्था के दौर में था, ऐसे मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बना करके विकास का एक मॉडल बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने का जो अभियान, गरीब कल्याण महाअभियान को आज जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया है। तो आज उन सारी बातों को जमीन पर ले जाने के लिए जो 27 रथ सभी विधानसभाओं में नीचे गांव गांव में जाएंगे, जनता को अपने उस विकास से अवगत कराने का काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जो 127 रथ जा रहे हैं वो सभी जनता जनार्दन को इस बात के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने आम जनता के दुख दर्द को समझा, अपने जोरदार तालियों के बीच आपके बीच पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मेरी सरकार के मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई रामेश्वर शर्मा जी, भगवान कृष्णा गौर जी, बहन मालती राय जी हमारी मेयर, भाई आलोक शर्मा जी हमारे भोपाल उत्तर के उम्मीदवार, भाई ध्रुव नारायण सिंह जी भोपाल मध्य के उम्मीदवार, हमारे किशन जी
राम जी, दिल्ली जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुमित जी और उपस्थित सभी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। आज भी दो यात्राएं फिर रवाना होनी है, श्रद्धेय अमित शाह की मंडला और श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्राओं को प्रारंभ करेंगे और हम लोग भी वहां जाने वाले हैं। लेकिन मुझे बता क्यों खुशी है कि जिस मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद कर दिया था, जिस मध्य प्रदेश का कांग्रेस की सरकार ने बंटा ढार कर दिया था, उस मध्य प्रदेश को विकसित बना के देश की अग्रपांत में ले जाके हमने खड़ा कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा कर दिया है। उपलब्धियां अनेक हैं, हमारी ड्यूटी है कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जनता को हम ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए हमने कौन कौन से काम किए, और ये बताने के लिए हमारी ये विकास रथ जो सरकार की उपलब्धियां, हमारा रिपोर्ट कार्ड जो माननीय अमित शाह जी ने जारी किया था, उसको जनता के सामने रखेंगे। ये साहस भारतीय जनता पार्टी में ही है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो काम किया उसको मुझे अब विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। सड़कें हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था की प्रगति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली का प्रबंध हो, हर क्षेत्र में शहर का विकास, गांव का विकास, फसलों का उत्पादन, मध्यप्रदेश से आने वाला निवेश, अभी 14 तारीख के दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं फिर हमारे लिए प्रधानमंत्री के बिना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल उत्पाद बिना रिफाइनरी के पास हो रहा है, और केवल 50,000 करोड़ का नहीं। मुझे बता दो, प्रसन्नता है कि पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क से लगाकर मध्यप्रदेश में जो निवेश हो रहे हैं उनमें 1.5 लाख करोड़ के निवेश और होने वाले और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे अनेकों कामयाब है जो जनता के बीच हम रख रहे हैं, और हमारी ये रथ उन कामों को जनता के बीच ले जाकर बताएंगे। आज उन रथ को हम रवाना कर रहे हैं जनता के बीच। जनता से यही प्रार्थना है कि हमने आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन और रात परिश्रम की पराकाष्ठा की है, प्रयत्नों की परिसीमा की है, और आज मध्य प्रदेश को यहां तक लेके आए हैं और आपकी सेवा के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए और इन रथ में हमारी जो उपलब्धियां हैं वो हम आपको दिखाने का, आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं। जरूर इन रथ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हैं आप जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरी झंडी उठाकर अब इन विकास रथों को यहां से रवाना कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पीवी शर्मा जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आलोक शर्मा जी, धर्मनारायण सिंह जी, महापौर मालती राय जी, कृष्णा गौर जी, विधायक, ये सभी यहां उपस्थित हैं। और यहां अब इनमें विकास की वीडियो और ऑडियो के माध्यम से, गीतों के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का अवसर दिया जाएगा, और 127 रथ पूरे प्रदेश में यहां से सांकेतिक तौर पर कुछ रथ रवाना किए जा रहे हैं। और इस विकास की यात्रा में आम जनता का सीधा जुड़ाव रहेगा। हम विकास किया है, विकास करेंगे। विकास और गरीब कल्याण महाअभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और इसके अलावा कई योजनाएं
जिसमें सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए अन्य कई योजनाएं हैं जिनका जन जन तक प्रचार प्रसार होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहां से इन विकास रथों को आरंभ करने के साथ ही अब प्रस्थान कर रहे हैं। हम आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने यहां पधारकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है। आज दो यात्राएं, एक मंडला से अभी और दूसरी श्योपुर से, माननीय अमित शाह जी हरी झंडी दिखाकर उन यात्राओं को रवाना करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी दो पहले निकल चुकी है, उनको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश का विकास किया है और जनता का कल्याण किया है। अमित शाह जी ने जो रिपोर्ट कार्ड हमारा प्रस्तुत किया था, हमारी ड्यूटी है कि चुनाव के पहले हमने क्या काम किया ये जनता को बताएं, और जनता को बताने के लिए हमारे विकास और गरीब कल्याण रथ रवाना हो रहे हैं, जो जनता के बीच हमारी उपलब्धियां और जन कल्याण के जो काम किए हैं विकास के साथ उनको रखेंगे। चरणों में शारदा मैया के घर अब जिला बनेगी। मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया हम आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं।